गाइस ये आपको आज जानना जरूरी है कि बेंच प्रेस करते हुए आपकी नौबत हो सकती है कि आपको सर्जरी करानी पड़ जाए। जी हाँ, अलोहा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष कुमरा। एंड आज का वीडियो होने वाला है कैसे आपको अवेयर रहना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, एंड क्यों आपको समझना चाहिए कि वेट ट्रेनिंग इतनी इजी नहीं है जितनी इजी लोगों को लगता है या सोशली उसको दिखाया जाता है। तो गाइस, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप में से कोई भी बॉडी बिल्डिंग का फैन हो, तो आपने आजकल ये चीज ट्रेंडिंग में बड़ी देखी होगी कि एक जो बॉडी बिल्डर है, हुज नेम इज रियान क्राउली, 23 साल के बॉडी बिल्डर है, एंड उनकी ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हुई है, जिसमें उनकी जो चेस्ट की मसल है वो पूरी तरीके से टियर ऑफ हो गई है जब वो बेंच प्रेस कर रहे थे। मैं आपको एक इमेजेस दिखाना चाहूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी सीवियर इंजरी है। तो ये क्लिप दिखाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली हुआ ये कि रियान जो कि एक बॉडी बिल्डर थे, उनका टेंडन ब्रेक हुआ। अब टेंडन ब्रेक हुआ कैसे? बेसिकली चेस्ट की मसल जो कि पेक्टोरियल मसल है, उसको होल्ड करा हुआ था उस टेंडन ने जो कि अटैच्ड टू द ह्यूमरस बोन। तो कहने का मतलब आपके जो टेंडन्स हैं वो जोड़ते हैं आपकी मसल को टू योर बोन। अब जब वही ब्रेक हो जाए तो उस केस में ये होता है कि आपकी वो जो मसल है वो वहां से जुड़ी नहीं रहती, एंड वो पूरी ही ब्रेक ऑफ एंड टियर ऑफ कर सकती है। तो अब इस केस में हुआ क्यों एंड कैसे बचे इस बात से? तो बेसिकली हुआ ये कि रियान करते थे वर्कआउट लैरी वील्स के साथ, एंड यही सबसे बड़ी गलत बात हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को उन दोनों की इंटेंसिटी पता है, स्ट्रेंथ पता है, लेकिन एक सीधे भाषा में अगर मैं बोलूं, एक पावर लिफ्टर की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बहुत 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 ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ बॉडी बिल्डर। एंड स्पेशली अगर मैं आपको एज बताऊं रियान की, तो रियान की एज है ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। वहीं लैरी वील्स बहुत सालों से कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग, एंड एट द सेम टाइम वो स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशंस में भी खेलते हैं। सो कहने का मतलब जो वेट लैरी वील्स के लिए बहुत ईजी हो सकता है, वो रियान के लिए हो सकते हैं उनका मैक्स वेट। अब यही दिक्कत होगी कि रैन कर रहे थे फॉलो लैरी वील्स को, इन अ वे वो चाह रहे थे कि वो भी अपने आप को पुश करे। एंड ज्यादातर लोग जो भी जिम में वेट ट्रेनिंग करने जाते हैं वो इसी गोल के साथ जाते हैं कि यार मैं किसी अच्छे एथलीट के साथ करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका लेवल मैचअप कर सकूं एंड उससे मेरी बॉडी बनेगी। लेकिन नहीं, यही गलती है। आपको समझना होगा कि अगर कोई एथलीट बहुत टाइम से ट्रेन कर रहा है, वो उतने लेवल पे पहुंच चुका है, तो आपको टाइम लगेगा, बिकॉज हर एक चीज का टाइम होता है। अगर आप सोचे कि आप एक दिन में अपना पीआर कर लेंगे, अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर लेंगे, तो वही सबसे बड़ी बेवकूफी है, आपको इंजरी हो सकती है। तो अब रैन तो भाई बहुत हैवी वेट पे कर देते, सिर्फ 200 किलो। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं तो उसने वेट पे जाऊंगा ही नहीं कभी, तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो सकता। आपको समझना होगा कि बेसिकली आपके जो टेंडन्स है वो मसल के साथ जो जुड़े हुए हैं। अब आपकी जब मसल ब्रेक होती रहती है हल्की हल्की, तो आपको उसे टाइम देना होता है रिकवर होने को, क्योंकि ये वेट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप उसे टाइम नहीं देंगे, आप अपने आप को पुश करे जा रहे हैं, आप एक ही वर्कआउट करे जा रहे हैं कंसेक्यूटिवली में, और भी ये सोच के कि आपकी मसल ज्यादा जल्दी पंप दिख रही है, ज्यादा टाइट दिख रही है, तो जी आप बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज अगर आपकी मसल पूरी टाइट हो गई एंड देन आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, जैसा कि इस केस में। अब आपको क्या ध्यान रखना है ताकि आपको ऐसी इंजरी कभी फेस ना करनी पड़े? सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको अपना हैवी वेट एकदम से नहीं पुल करना, हमेशा आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है जिसमें आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, एंड जब आप उस चीज के पैटर्न के यूज टू हो जाएंगे, तब आप अपने पीआर के लिए एम करेंगे। सेकंड चीज, हमेशा आपको वार्म अप करना है कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। देखो, वार्म अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जिसको ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप वार्म अप करें। बिकॉज आप जब वार्म अप करते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो बनना शुरू हो जाता है, उससे प्रेफरेबली इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि वो ये है कि आपको समझना होगा कि हर एक बंदे की एक अपनी लिमिट है, आपकी बॉडी की एक अपनी कैपेसिटी है। अगर आपको अपनी बॉडी को कैपेसिटी अपनी देखनी है, आपको उसे इम्प्रूव करना है, तो आपको एक सेट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, एंड आपको समझना पड़ेगा कि रेस्ट भी इक्विवेलेंटली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। सो अगर आप रेस्ट देंगे अपनी बॉडी को, तो आपके जो लिगामेंट टियर है, हल्का सा जो मसल टियर है, वो तो रिकवर हो ही जाएगा। एंड जब वो चीज रिकवर हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा बढ़ेगी वेट उठाने की। लेकिन अगर आप सिर्फ उसे पुश करते जाएंगे, तो जी ऐसा हमेशा ही हो सकता है। तो ओवरऑल गाइस, इस वीडियो के साथ आज मैं एंड करना चाहूंगा, एंड ये बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो थी, बिकॉज जिम में काफी ज्यादा ऐसे गोर्स हैं जिनको अभी भी लगता है कि नहीं यार, मैं अगर अपने से बड़े वाले के साथ में वर्कआउट करूंगा, उसको मैचअप करने की कोशिश करूंगा, तो मेरी बॉडी जल्दी बनेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एंड आई होप, जैसे तो रियान की अब सर्जरी हो चुकी है, मैं आपको अपडेट दे दूं कि उनकी अब सर्जरी हो चुकी है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आई होप कि उनके बॉडी बिल्डिंग करियर में इफेक्ट ना हो। बिकॉज अगर एक आम बंदे को आप इमेजिन कीजिए कि उसका पेक्टियर हो जाए, उसका सही भी हो जाए सर्जरी का, लेकिन स्टिल उसमें दिक्कत आएगी, तो इमेजिन कीजिए जिसका फील्ड ही वो है, एंड इस एज पे अगर हो जाए तो कितना उन्हें देखना पड़ेगा। सो आई होप रियान की जल्दी रिकवरी हो जाए, एंड उनकी सर्जरी हो चुकी है, 1 घंटे की सर्जरी, उन्हें 4 घंटे लगाने पड़ गए, बिकॉज डॉक्टर्स ने बताया कि उनका जो टेंडन है वो तो ब्रेक हुआ ही, तो हमें टेंडन को बोन से भी जोड़ना पड़ा, एंड जो मसल है उसको भी टेंडन से। सो कहने का मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, एंड आई होप आप इस वीडियो का मॉरल समझे एंड ध्यान रखें कभी भी एक्सरसाइज करने से पहले।
सो वेट ट्रेनिंग कभी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप उसे अप्रोच करते हैं वो जरूर डिसाइड करता है कि वो आपके लिए सही होगी या नहीं। इसी के साथ अंत करते हैं आज के वीडियो के साथ। पसंद आया इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो पे जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कैसे आपको लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू।